जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10, वेलकम इन माय लेक्चर। टुडे आई कंटिन्यू चैप्टर नंबर 17, सोशल साइंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। In the previous lecture, I have discussed about the strategy, poverty. Today, I am going to start poverty alleviation program to reduce poverty. Indian government made many programs, many पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। हमारी सरकारों ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर रिवॉर्ड स्कीम, फ्रॉम ग्राम उदय टू भारत उदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल्स, इनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, माँ अन्नपूर्णा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, मिशन मंगलम, दत्त पंत तेजदी ब्याज सहाय योजना, ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, वाजपेयी बैंकेबल योजना। तो डियर स्टूडेंट, देखिए, इन ऑर्डर टू मेक पॉवर्टी एलिवेशन सॉल्यूशन सक्सेसफुल, द रूरल एंड अर्बन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड गेट डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट। देखो, हमारी सरकार ने जो पॉवर्टी खत्म करने के लिए सक्सेसफुल कार्यक्रम किए हैं, उनमें से गांवों के अंदर और शहरों के अंदर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन BPL है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट देने का प्रयत्न किया है। उनके लिए तरह तरह की कई वेरियस वेलफेयर स्कीम है ना, वेरियस वेलफेयर स्कीम फ्रॉम वेरियस वेल फ्रॉम स्कीम से उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन को खत्म, मतलब पॉवर्टी को एंड करने के लिए प्रयत्न किया है। दे में भी चेंज इन द नेम्स ऑफ द प्रोग्राम। देखो, एक बात ध्यान रखना, समय समय पर जो सरकारों का परिवर्तन हुआ था, ओनली देयर नेम चेंज, केवल यहाँ उन्होंने अपने बात को रखने के लिए नामों में परिवर्तन किया, बाकी देयर जो उद्देश्य है वो एक ही है। योजनाएँ बहुत सारी बनाई, लेकिन देयर पर्पज इज सेम। पर्पज है यहाँ पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब गरीबी मुक्त करना, भारत को गरीबी खत्म करना। इवन ऑब्जेक्ट टू अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट द फैमिलीज। अब इसमें से सबसे देखिए, अगर पॉवर्टी खत्म करनी है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा उपलब्ध करवाना है एम्प्लॉयमेंट। घर में इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी एंड होगी। सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी से जो रहे हैं, इसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करना, रूरल अपलिफ्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइड एजुकेशन, डेवलप्ड स्किल एंड थ्रू द ट्रेनिंग, सो द इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूव, लीडिंग सोशल सिक्योरिटी में ब्रॉड देम अबव द पॉवर्टी लाइन। देखो, पॉवर्टी लाइन को एंड करने के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड के में अंदर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल हेल्प है ना, ऐसी बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से, बहुत सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से, बहुत सारी हेल्प के माध्यम से
पॉवर्टी एंड करने के लिए, मतलब गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयत्न किए गए, कई ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लगाई गई। अब नाउ देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और स्कीम में भी डिवाइड इनटू 5 सेक्शन। देखो हम इसमें 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब है डायरेक्टली गिवन द मनी एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बहुत ही सबसे सुंदर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ एक व्यक्ति को या पर्सन को क्या करते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं, है ना। अब उसे तैयार करने का मतलब है उसको स्किल प्रोवाइड की जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए लोन की व्यवस्था की जाती है और सेल्फ उसको फाइंड आउट करें। प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, भोजन मतलब फूड की सिक्योरिटी से संबंधित। प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स रखे गए। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फॉलोइंग मेंशन बिलो इज द प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयमेंट इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। देखो आप इसके अंतर्गत इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए जो पार्ट था वो था एम्प्लॉयमेंट के अंदर इरिगेशन, रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट डायरेक्टली इनकम इज अर्न विच इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पुअर। देखो इसके अतिरिक्त जहाँ जो भी किसान हैं उन किसानों का सीधा मार्केट के अंदर वस्तुओं का बेचना, जिससे उनको एक अच्छी रेट उनको मिल जाए। अब इसके अंदर देखो कुछ ऐसे थे जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि योजना, है ना, मंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। अब इस सिंचाई योजना के अंतर्गत देखिए, अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीज द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर के ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यहाँ तरह तरह की स्कीमें प्रोवाइड की गई। इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन, उसमें सबसे पहला है सिंचाई योजना, फर्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई शब्द दें। अब यहाँ इसके अंतर्गत देखिए, फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन प्रोवाइड की गई। सर्च एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड देयर इज ट्राइंग, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयत्न किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें सिंचाई की सुविधाएं हों। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम शुड बी यूज अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग एंड स्मॉल। अब देखो इन सिंचाई सुविधाओं के लिए छोटे मोटे कई तरह के डैम बनाए गए, और इसके अतिरिक्त देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग मीडियम साइज चेक डैम कॉम्बेट वाटर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सो द एवरी फील्ड गेट वाटर। हर फील्ड को यहाँ हर को क्या मिले, यहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज मिले और एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हो। फिर प्रधानमंत्री फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, By improving from safety increasing plan, farmers are to be helped to time of the natural calamity. देखो ऐसी कोई calamities provide होती है उस समय government farm safety insurance planning कर रखी है, जिससे डर में न रह करके वो development का काम करे। Support government, इस समय government support करती है bonus at the purchase of the cotton एंड अदर जो फील्ड, उसके लिए परचेजिंग खुद गवर्नमेंट करती है। फिर नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रोग्राम लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, सबसे इसका उद्देश्य हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई। फिर इम्प्रूविंग केनाल नेटवर्क, अब उसके लिए ज़रूरत है केनाल के नेटवर्क की, स्टॉप सॉइल इरोजन, न्यू अनवेल ट्यूबवेल प्रोवाइड करना, प्रिजर्वेशन ऑफ सेफ्टी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। देखो इस प्रोग्राम्स के अंतर्गत कई तरह के ऐसे प्रोग्राम रखे गए
विच आर द यूजफुल, जो मतलब हमारे लिए उपयोगी हो, है ना, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, फिर इसके बाद में ड्रिंकिंग पानी पिलाने की सुविधाएं अवेलेबल हो। अब इसमें डिगिंग पॉन्ड, अब पानी की उपलब्धता कराने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने के लिए डिगिंग पॉन्ड्स, वाटर शेड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, एफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग लिंग इन द केनाल, प्लांट ट्रीज, शब्स, रोटे रिनोवेशन, इसके बाद में रिवाइटलाइजेशन ऑफ द चेक डैम हैव बीन। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए, तो जैसे यहाँ ट्यूबवेल को प्रोवाइड करना, जो वेल है उसको रिपेयर करके बनाना, पॉन्ड चेक डैम है उनको खाली कराना, इसको व्यवस्थित सफाई करवाना, इसके बाद फॉरेस्टेशन प्रोग्राम करना, चेक डैम वगैरह जो भी है उनको बेटर वे से, है ना, वापस से मतलब रिनोवेशन करवाना, ये सभी प्रोग्राम ले गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फाइनेंस एट अ लो रेट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, और उसके अंदर देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बैंक के अंदर यहाँ प्रोवाइड करती है, कम रेट के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड करती है। देन आपका देखो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कराना, तो गुजरात गवर्नमेंट अंडरटेक दिस प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने भी अपना पार्टिसिपेशन पूरा रखा है, मतलब वो भी अपने लिए अभी तक उपयोग इस कार्यक्रम के अंदर इस बीड़ा को उसने भी उठा के रखा है। सिंस लास्ट 10 गवर्नमेंट ही हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर फेयर, मतलब पॉवर्टी वेलफेयर फेयर की स्टेब्लिश ऑर्गेनाइज करता है, हेल्पिंग टू फार्मर बिकम ए सेल्फ रिलायंट, कि वो सेल्फ रिलायंट हो, उसके लिए जगह जगह पर फार्मर्स फेयर भी ऑर्गेनाइज करता है। फिर रिवॉर्ड स्कीम के अंदर अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज़ बीन सेटअप, मार्केट सेटअप किया जाता है इसके अंतर्गत, फार्मर्स इन विच फार्मर में गेट द प्रोडक्ट लिस्ट, जिसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को दे सकता है ऑनलाइन ट्रेड के लिए एंड बिड, और उसकी नीलामी कर सकता है फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी जगह से अपने जो वस्तुएं वो ऑनलाइन बिड है ना, ऑनलाइन नीलामी कर सकता है, जिससे उसे उपयुक्त भाव या फेयर प्राइस दे ही कैन गेट। ऑब्जेक्टिव दिस प्लान टू सेव द फार्मर फ्रॉम लॉस फेस्ड बाय ड्यू टू मीडिएटर, अब मीडिएटर की वजह से जो लॉस हो रहा है उस लॉस को बचाने के लिए इस स्कीम को तैयार किया गया। फिर आता है फ्रॉम ग्राम उदय टू भारत उदय, देखो ग्राम उदय टू भारत उदय का मतलब क्या है, अगर देखो वेज वी एवरीवन नो आवर कंट्री इज द कंट्री ऑफ विलेज, हमारा गांव, हमारा देश गांवों का देश है। अब गांवों का देश है इसलिए क्या है कि जब तक गांव अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारा ये देश ऊपर नहीं उठेगा, तो ये जो स्कीम रखी गई उस स्कीम का ये नाम रखा गया कि ग्राम उदय टू भारत उदय, ग्रामों को उठाओ भारत अपने आप उठ जाएगा बढ़ जाएगा। तो देखो थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स हैव बीन मेड प्रिवेंटेड लॉस फेस्ट बाय फार्मर ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल डैमेजिंग ऑफ द क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक हेल्प टू बिल्ड द फेंसिंग एंड प्रोग्राम देम। अब देखो इस तरह इसके अंदर किस तरह के प्रोग्राम रखे गए कि जैसे यहाँ किसान को यदि किसी एनिमल कोई नुकसान पहुँचाए है ना, तो उनके लिए फेंसिंग करने के लिए, उनकी दीवार बनाने के लिए, उनके लिए तार वगैरह की प्रोवाइड करने की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। तो इसके लिए वाइल्ड एनिमल जब मान लो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक हेल्प करते हैं बिल्ड फेंसिंग, इकोनॉमिक हेल्प करते हैं टू बिल्ड, क्या बिल्ड करने के लिए, फेंसिंग देम टू क्रॉप एंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रास। इसके अतिरिक्त यहाँ अतिरिक्त सुविधाएं की जाती हैं, वो है प्रोडक्शन ऑफ ग्रास फॉर केटल एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस, है ना, जैसे ड्रट का समय है वगैरह है, ऐसे समय में उनको घास की उपलब्ध करवाई जाती है। और देन आफ्टर कई ऐसी टेक्निक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ केटल शेल्टर, इसके अतिरिक्त यहाँ पे केटल शेल्टर
प्रोवाइड किए जाते हैं, रेन फॉरकास्टिंग, डिस्कवरी ऑफ द नेचुरल रीजंस थ्रू द मॉडर्न स्टेटलाइट ऑफ द ड्रोन टेक्निक, कई अलग अलग टेक्निकों के माध्यम से ये सभी चीज़ अवेलेबल कराई जाती है। प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड सर्वे। इसके अतिरिक्त देखो लैंड का भी सर्वे किया जाता है। यहाँ लैंड का सर्वे करके क्या फ़ायदा होता है, मतलब किस तरह की क्रॉप्स कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, किस तरह की क्रॉप्स अवेलेबल होगी, है ना। इस सबके लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, दे हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी टू फाइनेंस। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, फॉर मैकेनाइजिंग ऑफ द फार्मिंग। देखो फार्मिंग के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, यहाँ अधिकतम मशीनों का उपयोग हो और इस मशीनों के उपयोग के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है किसानों को। अब उसके अतिरिक्त उसमें टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, हेल्प इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, कंप्यूटराइजिंग इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस सोसाइटी, सेटअप ए न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, पल्सिस स्पाइसिस, मैनेजमेंट ऑफ फार्मिंग, गेट सुटेबल प्राइस, और देन आफ्टर देखिए यहाँ मार्क मेकिंग पॉन डिप, रिमूविंग सॉइल फ्रॉम टू देम, इंक्रीजिंग ड्रॉप्स एंड साइज, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम टू द पॉन्ड, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, एंड इसके अतिरिक्त वाटर शॉर्टेज, इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ, रीसेटलमेंट ऑफ वाटर टैंक, वाटर, इसके बाद में रिपेयरिंग ऑफ चेक डैम, रिपेयरिंग एंड इंक्रीजिंग द वाटर शॉर्टेज कैपेसिटी। तो इन सभी वर्क को ग्राम लेवल पर तैयार किए गए जिससे गांवों का डेवलपमेंट हो, और जिससे गांवों का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री का होगा। डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये जितने भी प्रोग्राम है वो लगभग केवल नामों में परिवर्तन, लगभग उनका जो पर्पज है एक ही है और उसमें एक ही लगभग मिलते जुलते सभी प्रोग्रामों को किए गए हैं। एट द सेम टाइम द परमानेंट पॉवर्टी सेटअप इन द रूरल, तो देखिए यहाँ परमानेंट प्रॉपर्टी हम लोग सेटअप करें, तो जिसे परमानेंट प्रॉपर्टी सेटअप होगी तो उसका डेवलपमेंट भी कंटिन्यू होगा। इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल पॉइंट नंबर 3, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। This plan is to afford supply electricity to the rural area. Rural area को electricity provide करने की योजना थी इसके अंतर्गत, है ना, 24 multiply by 7 मतलब 24 घंटे यहाँ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, and night providing electricity at the time of the home, और इसके अतिरिक्त नाइट के समय में उस घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिले, फार्म कंसेशनल रेट के ऊपर, एंड ले डाउन लाइंस टू इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फॉर 18,000 विलेज विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, जहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहां तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम के अंदर क्या गया, जिससे कि देखो ये पुअर फार्मर को यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हो दिए गए ये चलाने के लिए, फिर इसके बाद में वो सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए उपयोगी हो, इन सभी के लिए करने के लिए व्यवस्थाएं की गई। फिर इसके बाद में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल वुमेन्स ऑफ कैटल रेयरिंग, अंडर दिस प्रोग्राम हेल्प प्रोवाइड टू डेवलप द जियोफोनिक्स एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इसके अंतर्गत देखिए यहाँ उच्च लेवल की, है ना, अच्छी नस्ल के जो ज़्यादा दूध देती हैं ऐसे गाय भैंसों बकरियों वगैरह की व्यवस्थाएं की गई, और हेल्प टू मेक द प्रिवेंट के क्रीपर क्रॉप्स। इसके अतिरिक्त देखो ये कैश क्रॉप है, क्रीपर क्रॉप्स है, उन ट्रेनिंग टू गाइडेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के लिए यहाँ मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। फिर इनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेक्स्ट पॉइंट है वो इनकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉइंट नंबर 5। हेल्प इन द फार्मर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस हेल्प, परचेजिंग फार्म ऑफ प्रोडक्ट, अरेंजमेंट टू ट्रेनिंग। देखो अब इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व बढ़ता हुआ वापस बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में फार्मर्स को इनकरेज किया गया, और वो क्या इनकरेज करने के लिए प्रयत्न किया गया, परचेजिंग
ठीक है, इनकरेजमेंट, और इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, फाइनेंशियल हेल्प की गई, परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट को परचेज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इनसे अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर सेक्टर आर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत इनकरेजमेंट कर दिया गया, और इस इनकरेजमेंट के लिए क्या है, फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, वाटर के इरीगेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर विलेज स्कीम रोड, देखो गांवों का उद्धार देश का उद्धार कैसे हो सकता है, जब वहां हम गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अंडर दिस प्लानिंग रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड, रोड से रिलेटेड वर्क को स्टार्ट किया गया, जिसमें विलेज पंचायत वर हेल्प टू कनेक्ट विलेज विद वन अनदर, इसमें ग्राम पंचायत वर्क करती है गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। अब उसमें बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट ये होता है कि फार्मर्स जितने भी किसान हैं जो भी लोग हैं वो अपनी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तकलीफें नहीं उठा पाते हैं। फिर इसको इन कनेक्ट विद द रोड, मेन रोड से और हाईवे से इसको जोड़े गए। इसके बाद में माँ अन्नपूर्णा योजना, तो अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीज एंड विलेज आर गिवन 35 kg। जो लोग अंडर दिस प्रोग्राम के अंतर्गत पुअर फैमिलीज जो थी उन पुअर परिवारों को 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली को हर महीने उपलब्ध करवाने की योजना है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट को दिया जाता है, या फिर मिडिल क्लास वालों को 5 rupees kg फूड ग्रेन्स एट लो रेट विच बीट गिवन 2 rupees per kg, 3 rupees per kg राइस है, फेयर शॉप प्राइस है। इसके बाद में 3.62 करोड़ पीपल इसके अंदर जो कवर कर रहे हैं, इसके अंदर 3.62 करोड़ पीपल इस स्कीम का मतलब लाभ उठा रहे हैं। फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू स्टॉप द माइग्रेंट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेज एंड सिटी। देखो आज सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ गाँव में हो रही है, गाँव के लोग गाँव के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने की वजह से वे लोग क्या कर रहे हैं कि गाँवों को छोड़ करके शहरों में जाते हैं, जहाँ उनको सीधा सा पॉवर्टी का सीधा सामना करना पड़ता है। अब यहाँ एक आदर्श योजना है ना, कौन सी, सांसद आदर्श योजना के तहत फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इम्प्रूव एजुकेशन। देखो अब यहाँ सांसद के को इस तरह क्या इम्प्रूवमेंट करानी है, अपने एरिया के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, विलेज एडोप्टेड बाय देम थ्रू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक एक दो दो गांव करके उसमें सुधार करने के लिए, जिसमें देखिए यहाँ पर स्थायी रूप से एजुकेशन वगैरह की फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो बढ़ाने की बात आई है। दस दे सेटअप द आइडियल विलेज, जिससे वो अपने एक आइडियल विलेज बना सकते हैं, अदर देन दिस टू क्रिएट परमानेंट पब्लिक असेट के माध्यम टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड लाइफ, रूरल डेवलपमेंट, टेकिंग केयर ऑफ कल्चर हेरिटेज, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को उपलब्ध करवाना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, मतलब जो भी एक गांव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात आती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ ध्यान रखना, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकेम पॉपुलर, आज काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है विद द स्लोगन, और इसके अंदर जो स्लोगन वर्क करता है उस स्लोगन के अंतर्गत क्या है, अवर वर्क एलोंग विद द रीजनेबल प्राइस के ऊपर उपलब्ध कराना, ऑब्जेक्ट ऑफ मनरेगा, मनरेगा का जो ऑब्जेक्ट है इंचांस इन लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन द रूरल एरिया स्टेट, जो रूरल एरिया के अंदर रहते हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, हुम कैन बी फिजिकल लेबर थ्रू द अनस्किल्ड बट विलिंग टू वर्क, ऐसे लोगों को जो स्किल्ड नहीं है लेकिन वर्क करने की डिजायर रखते, इच्छा रखते हैं, फॉर पर्पज 1 person फॉर एवरी फैमिली। देखो इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हर घर में से एक व्यक्ति को रोजगार अवेलेबल होगा, है ना, फ्रॉम ईच फैमिली 1 person कैन गेट एम्प्लॉयमेंट
है ना, जिसमें एक गारंटी फॉर 100 डेज की गारंटी, अगर 100 डेज गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट हैव टू गिव द इकोनॉमिक असेसमेंट है ना, फोर मतलब हर फोर आवर्स पर डे के रूप से द फाइनेंशियल ईयर के अंदर द गवर्नमेंट हैज फिक्स द वेज अकॉर्डिंग टू पेज डेली वेज के ऊपर उसको पे किया जाता है। इफ द आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स, अगर काम करने के बाद गवर्नमेंट उसमें सफल रहती है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देन रूल गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, उसमें गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है। इफ दिस वर्क लाइक वर्क डेवलपमेंट विलेज, इसमें देखो कौन कौन से कार्यक्रम किया काम किए जाते हैं मनरेगा के अंतर्गत, देखो विलेज के डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल, वर्क लेवलिंग, लैंड प्लान, हॉर्टिकल्चर, लेबर वर्क, इंदिरा आवास योजना, कैटल शेड, मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, शेड ऑफ कॉक एंड गोट्स, यार्ड फॉर ड्राई फिशिंग, ड्राई फिश, क्लीन ऑफ क्लीनिंग ऑफ कैनाल, वर्क रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज एंड ट्री प्लांटेशन ऑन रोड आर इंक्लूडेड। देखो इसके अंदर इन प्रोग्राम्स को नाम उनके पढ़ना, क्या क्या प्रोग्राम है, वेरी इजी है, इनके नाम याद रखना है कि खास जिम्मेदारी रहेगी, ध्यान देना कौन कौन से प्रोग्राम है। वैसे तो लगभग सभी प्रोग्रामों के अंदर मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि पर्पज इज टू रिमूव द पॉवर्टी, और पॉवर्टी को रिमूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल खेलता है वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और गांवों में कहाँ जिस तरह की स्थिति है तो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें वर्क करने होंगे। फिर इसके बाद में बाय गारंटी डेफिनेशन वेज हैज बीन एम्प्लॉयमेंट दिस एवरी फैमिली गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। अब इस अंतर्गत गांव जो सरकार है उसको मुख्य रूप से हर घर के अंदर एक व्यक्ति को मतलब गारंटी देती है 100 डेज के वर्क के लिए, और 100 डेज में उसे वर्क मिलता ही रहता है। तो ये देखे इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसके अंदर किस रूप से आप लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान दें कि कौन कौन से प्रोग्राम किए गए हैं डेवलपमेंट और ख़ास करके गाँव रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात भी आती है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात आती है, दोनों तरह के प्रोग्राम हैं। फिर डायरेक्टली ए पर्सन कैन गेट, और हर व्यक्ति को मतलब 100 दिन एक घर में से एक व्यक्ति को 100 दिन जरूर रोजगार मिले, इस तरह की एक बहुत ही सुंदर अति सुंदर कार्यक्रम है। इसके बाद में है मिशन मंगलम, थ्रू दिस प्रोग्राम द स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमन फॉर फैसिलिटीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन सखी मंडल। अब इसके अंदर देखो वुमन है ना, इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट हैज यूनाइट जोड़ दिया गया, किसको जोड़ा गया, वुमन्स को इस प्रोग्राम के अंदर, जो लिविंग बीपीएल है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जी रहे हैं उसमें सखी मंडली सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाया। हियर दे गिव वन द सखी बेस्ड ट्रेनिंग, उनको देखिए या सखी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सेल्फ रिलायंट हो अपने उस कार्यक्रम को, वो खुद मतलब वर्क को खुद कर सकें। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट देमसेल्व्स टू द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है ना, दे कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट किससे थ्रू कर सकते हैं वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड आउटकम टू द वाइशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सभी सबकी मंडल एक साथ मिल करके या अलग अलग जैसे भी हो, मतलब उनके इस तरह की प्रोग्राम उनको यहाँ इसके साथ जोड़ा गया है, और वो खुद अपना सेल्फ रिलायंस होने के लिए अपने आप में कुछ ऐसे वर्क कर सके। फिर इसके बाद में यहाँ पे यहाँ पर है दत्तोपंत टेगनी व्यास सहाय योजना। अब इसके अंदर जो है वहाँ पे थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिस्ट्स, अब इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आर्टिस्ट लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड लो रेट इंटरेस्ट पर परचेस करने के लिए, मटेरियल परचेस करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए उनको सहाय देती है। फिर ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान, अब इस प्लानिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं ज्योति ग्राम उद्योग, ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, इस योजना के अंतर्गत
प्रोवाइड यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया इंक्रीज इनकम एंड सेटअप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प। ऐसी कोई भी व्यक्ति मतलब क्या करना चाहता है कि गांवों के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिसिटी लेन। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए सेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज के अंदर, इंक्रीज इनकम गांव के लोगों की इनकम बढ़े, सेटअप इंडस्ट्री गिवन बाय देम टू इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं जिससे वे लोग अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें, सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को इनकरेज करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, विद ए न्यू आइडिया स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी लैंड इकोनॉमिक हेल्प एंड टू द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हु आर इंक्रीज द, ठीक है, जिनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी बेसिक है ना, जो आवश्यकता है, जैसे बेसिक का आवश्यकता का मतलब यहाँ पूरा ये नहीं, यहाँ जो मेन डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वाटर के वाटर रिसोर्सेज की जरूरत होती है, सभी को उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जाए। फिर अंत में इस स्कीम के अंदर पीएपी के अंदर आती है वाजपेयी बैंकेबल योजना। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एज ऑफ 18 to 65, जो 18 साल से लगा करके 65 साल तक की उम्र के जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हु आर एजुकेटेड टिल 4th स्टैंडर्ड, जिसका एजुकेशन 4th स्टैंडर्ड तक है, आर गिवन ट्रेनिंग, ऐसे लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट दे मे सेट अप द इंडस्ट्री और कैरी ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जिससे वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सेटअप ए इंडस्ट्री, एक होम इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में कैरी कर सकते हैं, अपने जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसे कंटिन्यू कर सकें। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स अमाउंट, उनको फिक्स अमाउंट भी दिया जाता है, सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिससे वहाँ उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस तरीके से देखो, थ्रू द एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड प्लान प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10 लाख। देखो 2016 की स्कीम के अगर हमारी जो गुजरात सरकार है, राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सेटिंग अप द एग्रो फूड प्रोसेसिंग अंटिल हेल्पिंग द एक्सपोर्ट टू प्रोसेस एंड सो द पॉवर्टी मे बी रिड्यूस। देखो 2016 की जो बिजनेस पॉलिसी थी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक सुधार इम्प्लीमेंट किया है टू प्लान प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को, कम से कम 10 लाख लोगों को बाय सेटिंग अप, क्या सेटअप करके, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके एलोंग विद उसके साथ में हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सो दैट द पॉवर्टी में भी रिड्यूस, जिससे यहाँ पॉवर्टी खत्म हो। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ 5 तरह के प्रोग्रामों में अंतर्गत ये सभी प्रोग्राम हैं, एक थोड़े नामों में अंतर है, बाकी देयर पर्पस, उनका जो पर्पस है वो है गरीबी खत्म करना। और गरीबी कैसे खत्म होगी, तो देखो जब गांवों का उद्धार होगा, शहरों का उद्धार होगा, इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम हैं, है ना, लगभग तो सब मिलते जुलते प्रोग्राम, उन प्रोग्रामों को ध्यान में रखना है खास करके। और इस तरीके से देखो, ये पीएपी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहला था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम रिवार्ड स्कीम, इसके बाद में ये तो मतलब मेजर जो डायरेक्टली फाइनेंशियल प्रोवाइड करने के लिए, और फ्रॉम ग्राम उद्योग टू भारत उदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल वुमन्स, इसके अतिरिक्त इंकरेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, चीफ मिनिस्टर विलेज रॉड एंड स्कीम,
माँ अन्नपूर्णा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मिशन मंगलम, इसके बाद में दत्तपंत त्यागी ब्याज सहाय योजना, ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना और वाजपेयी बैंकेबल योजना। जय श्री स्वामी नारायण। डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ें एंड राइट द नोट्स, और इसके नोट्स लिख कर करके मुझे ग्रुप होमवर्क ग्रुप के अंदर आप मुझे बताएंगे। जय श्री स्वामी।